फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अभी जस्ट फ्रेंड का कॉल आया, बता रहे कि आज संडे है, चलो मुझे थोड़ा कार ड्राइविंग सीखनी है। तो अभी जा रहे हैं फ्रेंड को लेकर कार सिखाने, बता रहे हैं कैसे करके चलाया जाता है। आप लोग भी सीख सकते हो, कितना इजी है और क्या क्या आपको माइंड में रखना होता है कार सीखने के लिए, सब कुछ आज ये वीडियो में बताते हैं आपको। फ्रेंड फ्रेंड के साथ फ्रेंड्स गाड़ी में बैठ गए, अभी आपको बताते हैं कौन कौन सा चीज़ क्या क्या है। ये है एक्सीलेटर, ये है ब्रेक, ये है क्लच। क्लच दबा कर आपको गियर देना पड़ता है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना पड़ता है और हल्का हल्का ब्रेक छोड़िएगा। काटिए, धीरे कीजिए, टर्निंग जब भी आएगा ना स्लो कर लीजिएगा, टर्निंग में उतना स्पीड में मत घुमाइए। देख, ये पूरा न्यूट्रल में है ना, इधर करेगा फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और ऐसे करके यदि ऐसे करेगा ये हो गया रिवर्स। ठीक है, अच्छा ये अभी गाड़ी न्यूट्रल में है और ये हो गया हैंड ब्रेक। ठीक है, डाउन करेगा गाड़ी पीछे जाएगा, यदि स्लोपिंग में रोकता है तो ये खींच दो, तब हैंड ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी खींचा हुआ है। और ये वाला एक्सीलेटर, एक्सीलेटर जो एक्सीलेटर, अभी तुम हाँ अभी ये वाला पैड जो है ये राइट एक्सीलेटर हो गया, ये वाला हो गया ब्रेक, सेकंड वाला ब्रेक, सेकंड ब्रेक, ये है क्लच, ये पैर। ठीक है, इसको जब गियर चेंज करेगा तब दबाते रहना, दबा कर चेंज करना। ठीक है, हाथ कभी क्रॉस मत करना, जैसे कर रहा था, जो क्रॉस ऐसे बहुत कोई कर लेता है ऐसे करके, जो ऐसे करता है ऐसे टाइप का मत करना। वो जब टर्निंग लेगा ऐसे करके हाथ को भी ऐसे करके करते रहो, तब तेरा गाड़ी सही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट बाय राइट, हाँ, और ज़्यादा पावर स्टीयरिंग में ज़्यादा तेरे को काटना नहीं पड़ता, हल्का काटने से ज़्यादा कट जाता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो आराम से अभी गाड़ी आगे बढ़ाओ, छोड़ो, चलो चलते रहो, धीरे आराम से, एक्सीलेटर में अभी पैर मत मैम देना, एक्सीलेटर पैर अभी तक दिए ही नहीं है। नहीं नहीं आराम से चल, सीधा रखना ऑलवेज, ए दोनों का गाड़ी स्ट्रेट रखना और ए दोनों साइड को तुम फॉलो करना, दोनों साइड को, क्योंकि तुम आगे कितना गैप है तुम तेरे को पता नहीं है, ए दोनों का डायमेंशन देख कर ही तेरे को गाड़ी चलाना पड़ता है। चलो चलो चलो, ब्रेक मत दबाओ, चलो मैदान में सीख रहा ना, चल बिना एक्सीलेटर का गाड़ी आगे कैसे जा रहा है? फॉल्स में चल रहा है, ये फॉल्स में चल रहा है, अभी तो तेरा अभी सीख रहा है ना, अभी अच्छा एक्सीलेटर ज्यादा यूज मत करो, ज्यादा यूज करेगा तेरा क्लच यदि सही से नहीं छोड़ेगा तेरा क्लच प्लेट उड़ने का डर रहेगा, क्लच प्लेट जलने का डर रहेगा। एक्सीलेटर का काम क्या है? वो सिर्फ तो स्पीड बढ़ाने का काम है और कुछ काम अच्छा नहीं है। और जब भी गियर चेंज करेगा क्लच दबा कर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जैसे जो लगाना है लगाना, और जैसे तुम बम्पर क्रॉस कर रहे हो तब यदि थर्ड में तेरा गाड़ी रहेगा सेकंड कर लेना, फोर्थ में रहने से थर्ड करना, ऐसे टाइप का। और ज़्यादा ऊंचा बम्पर रहने से तब वो वाला फर्स्ट गियर में डाल देना गाड़ी। जैसे ना देखिए फर्स्ट डे में ही कितना बढ़िया चला रहा है, वो अपने ऊपर है, यदि सीखने का इच्छा हो ना वो आप एक दिन में भी सही से कर सकते हो, यदि आप रूल्स का सही से फॉलो करोगे ना बहुत जल्दी आप कार भी सीख लोगे। ये भी बहुत ईजी चीज़ है, वो सिर्फ आपको ट्रिक्स और माइंड सही से सेट करना रहता है और हाथ स्ट्रेट, और कैसे करके आपको मतलब फॉलो मतलब करने को बोला जाएगा वैसे फॉलो कीजिए तो आप लोग बहुत जल्दी सीख लोगे। आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।